बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी दफ्तर में भव्य स्वागत की तैयारी। बीजेपी में शामिल होते ही सिंधिया को मिला इनाम, बीजेपी ने मध्य प्रदेश से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, कल भरेंगे नामांकन। दिल्ली हिंसा पर आज राज्यसभा में बयान देंगे गृहमंत्री, बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, कल लोकसभा में शाह बोले एक सुनियोजित साजिश के तहत हुए दंगे। बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर शाह का निशाना, घर से बाहर निकलो आर पार की लड़ाई वाले बयान का हवाला। AIMIM नेता वारिस पठान पर भड़के अमित शाह, कहा 15 करोड़ वाली बात क्या भड़काऊ नहीं। आज राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान, 55 सीटों के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बीजेपी पर लगाया 37 करोड़ रुपए का लालच देने का आरोप, पार्टी छोड़ने वालों को बताया काया। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बिहार से विवेक ठाकुर को टिकट। असम से भुवनेश्वर कलिता और महाराष्ट्र से उदयन राजे भोसले बीजेपी के उम्मीदवार, राजस्थान से राजेंद्र गहलोत को टिकट। झारखंड से दीपक प्रकाश बने प्रत्याशी, गुजरात से प्रमिला बैन बारा और अभी भारद्वाज की उम्मीदवारी।